को अटल सत्य है कि हम सबका अंत निश्चित। बोर्ड पे खड़े होकर पेंटिंग बनाई, मैं बहुत खुश था कि अरे नहीं एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने। तो हवा में पेंटिंग बनाते थे, लाइट देते हैं, फिर बाद में उसको स्क्रीन पे दिखाया जाता है। और जब भी मैं इनके देखता हूँ जो आप लोगों के लिए पेंटिंग बनाते हैं, एक डेमो देते हैं, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। मैं हर समय कमेंट आता हूँ कि बड़े अच्छे कलर्स हैं, बड़े अच्छे कॉम्पोजिशन है। थैंक यू सर। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अश्विनी जी मेरे एक मित्र हैं और मैं हर समय इनकी बहुत तारीफ करता हूँ। और मैं खुद इतना इन्फ्लुएंस्ड हूँ कि बच्चे आप लोग इतना अलग अलग फील्ड से आते हुए आप इतने अच्छे स्केचेस पेंटिंग्स बनाते हैं। अब ये पेंटिंग इतनी बढ़िया है वहाँ पर, और मैं हर एग्जीबिशन में आता हूँ, कोशिश करता हूँ और बहुत एंजॉय करता हूँ। मेरे ख्याल से आप सब में इतना हुनर है और अच्छे इंस्टीट्यूट में होने के बाद मेरे ख्याल से आपको एक साल में 3 साल में इतना अच्छा सिखा देते हैं। तो मेरे को बहुत खुशी है कि आप लोगों को इतना मौका मिलता है, जो कि ऑर्डिनरी दूसरे जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के कॉलेज उसमें इतना नहीं मिल पाता जितना तेजी से ये करा पाते हैं। तो मैं इसको हर समय अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। लिसन हाउ व्हाट हाउ शी फील्स बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ फैमिली। सोनाली। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनाली सुतार एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ओवर हियर। थैंक यू सो मच अश्विनी सर फॉर इनवाइटिंग ऑल ऑफ अस एंड इतना अच्छा प्रोग्राम आपने सेटअप किया, थैंक यू सो मच। एंड मैं ये पहले बताना चाहूँगी कि इवन आई एम अ पार्ट ऑफ DCA, इवन आई एम अ स्टूडेंट ऑफ DCA, इवन माई ब्रदर एल्डर ब्रदर ही हैज डन हिज BFA फ्रॉम DCA एंड वी आर वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस कॉलेज। सो या जैसे एज यू से कि आई एम द थर्ड जनरेशन and I'm so blessed to be a part of this family, to be part of this legacy I can say। baba ko मैं दादी को बाबा बोलती हूँ बचपन से। तो मैंने बाबा को अपने बचपन से उनके अंदर इतना पैशन आर्ट के प्रति इतना देखा है। हमारे घर में इट वॉज ऑल अबाउट आर्ट, इतना मोटिवेशन मिला आर्ट करने में। बाबा को देखती थी सुबह से शाम तक, रात तक एक्चुअली वो जाते थे स्टूडियो। वो आज भी जाते हैं, एट द एज ऑफ 93 ही स्टिल गोज टू द स्टूडियो, ही स्टिल वर्क्स। उनके बिना हम कोई भी स्टैचू कोई भी फाइनल नहीं करते, विदाउट हिज टच, विदाउट हिज क्या बोलते हैं, जब तक उनका येस नहीं होता तब तक कोई भी स्टैचू अप्रूव नहीं होता है। उनके वे ऑफ लिविंग एज अश्विनी सर सेड कि द सिंपलिसिटी, ही बिलीव्स इन सिंपलिसिटी। वो मैं बचपन से देखते आ रही हूँ कि वो इन सेम कुर्ता पजामा वो आज भी कोई पहनते हैं। एंड तो वे ही सो मच रूटेड, ही डज नॉट थिंक कि ये अब मैं राहों में थी कितनी मुश्किलें, कितने रोड़े चटाने मिट्टी कर दोस्ती इनसे वो चलते गए चलते गए। मौसम बीते दशक बीते पर हौसले बुलंद रहे, मन में था कुछ कर दिखाना, 2 राज्यों को एक बनाना है। छोटे छोटे उठा के कंकर बनाई पहली मूरत चंबल, जिसने मन में विश्वास जगाया, दिल में थी तस्वीरें जितनी, सबको एक एक करके बनाया। फिर एक मूरत ऐसी बनाई वही एकता की जो निशानी, लिखी इतिहास की नई कहानी, पाषाण में प्राण जगाए जिसने, नाम है उनका रामजी सुतार। बच्चों का नाम तो बताओ कौन है, कौन से ईयर? वो ईयर वाइज है, किस ईयर में आपने कौन सा स्टैचू जो है बनाया था, कौन सी मेजर एक्टिविटी आपकी लाइफ में हुई थी? हाँ तो ये टू बी कंटिन्यू। अपना नाम भी बता दिया करो सर को। सर ये तरफ नाम क्या है? लोग कहने लगे राम सुतार, तब मुझे पता चला मेरा नाम राम सुतार। इसी तरह से काम पे वही बात है, मैं कितना काम किया मुझे पता ही नहीं। जब ये सब देखा अरे इतना सारा मैंने काम किया ऐसा जिंदगी में ऐसे ही होता है, काम करते रहो। मैंने 47 से काम शुरू किया, आज तक वैसे चलता रहा। जिंदगी में ऐसा ही है, काम करते रहो। वैसे राम भी सुतार जी के लिए, लेकिन जो स्टूडेंट हैं वो उनके साथ एक सेल्फी खिंचाने को बेताब हैं। और वैभव जी, रेनू मैम, आप भी प्लीज़ खा लो। रामवी सुतार दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट राजौरी गार्डन में आज उनकी उपस्थिति दर्ज हुई। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले मूर्तिकार आज दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट राजौरी गार्डन में अपना आशीर्वाद देने के लिए आए। थैंक यू। बाय बाय सर, बाय बाय। अरे हाँ, तो ये थे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के विद्यार्थी और हम लोग आज धन्यवाद कर रहे थे श्री पद्म भूषण रामवी सुतार जी का कि उन्होंने जो ये स्कल्पचर बनाया है गुजरात में, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिससे कि हमारा भारतवर्ष और हमारे भारत के कलाकार सभी स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।